ये जो आपने वीडियो देखा ये स्तोक विलेज का है और स्तोक विलेज करीब जो है लेह और मनाली वाले हाईवे पर ही है। लेह से थोड़ा आगे चलने पर ही मिल जाता है, वहाँ से बाएं कट करके है और यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन हवाएं बहुत जो है तेज़ चल रही हैं, तो मैं दीवार के किनारे आके वीडियो बना रहा हूँ जिससे जो है आपको साफ साफ आवाज़ इसमें सुनाई दे जाए। तो चलते हैं आगे की ओर।
भाई साहब एक मास्क खरीदा हूँ, ये देखिए जो पूरा फेस और कान ढक रहा, बहुत ठंडा लग रहा था और हवा जो है आंधी की तरह चल रही है, तूफान की तरह और बर्फीली ठंड वाली है, एकदम हालत ख़राब हो जा रही है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी है, काफ़ी हाइट पे हैं हम और हमारे पीछे बर्फ़ वाले पहाड़, पीछे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक अंकल जी मिले और बता रहे हैं कि यहाँ पे स्तोक के राजा रहते थे और पैलेस भी है। तो ये भगवान बुद्ध की गोम्पा गोम्पा मूर्ति रही पीछे, बहुत विशाल मूर्ति बनी है। और इधर जो है ये मोनास्ट्री बनी हुई है, तो मोनास्ट्री में ढेर सारे कमरे वगैरह क्या क्या बने मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन म्यूजियम में ज़रूर चलते हैं, देखते हैं म्यूजियम में क्या क्या है। ये बता रहे हैं मोनास्ट्री है और ठंड से बचाने के लिए बाहर मिट्टी से जो है लीपा गया है इसको, बहुत मोटी मिट्टी का परत चढ़ाया गया है जिससे अंदर गर्म बना रहे, देख रहे हैं भाई साहब कितना कठिन जीवन है यहाँ रहना, मत पूछिए। यहाँ आना कठिन है, रहना कितना कठिन है। बता रहे हैं कि ये पीछे म्यूजियम और पैलेस है स्तोक का, लेकिन दरवाज़ा बंद है, कोई आदमी बाहर नहीं दिख रहा है और ठंडा इतना ज़्यादा है कि सर सब लोग घर के अंदर हैं, किसी से पूछ भी नहीं सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते, कोई एक आदमी भी नहीं दिख रहा है। पैलेस और म्यूजियम है, देखते हैं जाने का रास्ता है कि नहीं है। ये महल बना हुआ है और मिट्टी का बना है। अरे भाई इधर से भी रास्ता है आने का, मैं तो सोच रहा शीशा लगा इसमें। ये तो अभी हम जिस महल में हैं, ये लद्दाख के राजा का महल है और इसी महल में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा प्लेस था जहाँ से सिल्क रूट का व्यापार होता था अरेबियन कंट्रीज़ के साथ में चाइना का, और समय समय पर यहाँ के राजा टैक्स भी लेते थे और उसके बदले उन व्यापारियों को सुरक्षा देते थे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें अरेबियन चीज़ें भी दिखी हैं, चाइनीज़ चीज़ें भी दिखी हैं। तो यहाँ के राजा आज भी हैं और भैया ने बताया कि वो दिल्ली में रहते हैं, तो ये जगह काफ़ी अच्छी है। अगर आप लेह आ रहे हैं तो ये स्टोक का जो राजमहल है इसको देखने ज़रूर आइएगा, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगा। वीडियो क्यों नहीं दिखा पाया, क्योंकि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं,
शाम हो गई है, ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी से। और ये सारा मिट्टी का बना है, लकड़ी का बना है, आज भी वैसे मेंटेन है, पता नहीं कितने सालों का है। तो कैसा लगा वीडियो, ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों को और एक कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय। स्टॉक से आ रहा था और ठंडक लग रही थी, तो यहाँ की ये नमकीन चाय लद्दाख की टेस्ट कर रहा हूँ और इसमें मक्खन पड़ा है, नमकीन नमक वाली चाय है, दूध भी पड़ता है, दूध का होता है, दूध की नमकीन चाय के साथ मक्खन। ये नमकीन चाय टेस्ट कर पहली बार पी रहा हूँ वैसे। गजब का टेस्ट है।